हमारी टाइटैनिक थोड़ी सी क्षतिग्रस्त हो गई है। जब मौका मिले मम्मी पापा को यहाँ जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि यार सिर्फ बेटा घूम रहा है अच्छा नहीं लग रहा है। हेलो गुड मॉर्निंग। हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग पे। तो अभी हम जा रहे हैं एक और नई वाले जगह को खोज करने और वहाँ घूमने। विमल भाई बाइक निकाल रहे हैं, हम अभी रायगढ़ में हैं, मतलब अभी रायगढ़ में हूँ। तो अभी रायगढ़ पूरा विजिट करके जाना चाहता हूँ और यहाँ का एक एक चीज़, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं पर जितना मैं घूम सकूँ आपको दिखाना चाहता हूँ कि रायगढ़ में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए, घूमने के लिए। और हम यहाँ से निकलते हैं। यहाँ बहुत धूल खाना पड़ता है यार। ये पार्किंग स्पॉट, मतलब पार्किंग के एरिया है, इतना ज्यादा लोग यहाँ आते हैं विजिट करते हैं। तो ये प्रवेश द्वार, प्रवेश गेट, हमारी बाइक इधर ही कहीं पार्क हो जाएगी, उसके बाद हम भी जाएंगे अंदर विजिट करेंगे और यहाँ के व्यू आपको मैं शूट करके दिखाऊंगा। आई होप आपको अच्छा लगे। तो यहाँ की पार्किंग, विमल भाई ने गाड़ी पार्क कर दी है, अभी हम अंदर जाएंगे। वहाँ टिकट काउंटर वाले कुछ बैठे हैं, उनको कुछ टिकट पे करना पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जगह को साफ़ सुथरा करने रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए कर्मचारी हर जगह होने चाहिए, जो कि हैं। और अच्छा लग रहा है, अपना टिकट यहाँ कटा लेते हैं फिर अंदर चलते हैं फटाफट से। हमारा टिकट कट चुका, 10 मिनट का समय है हमारे पास, जितना विजिट कर सकते हैं करेंगे, उसके बाद समय इतना ही रहता है। तो जल्दी से अंदर चलते हैं, फटाफट से वीडियो शूट करके निकलते हैं यहाँ से। ये एंट्री गेट, विमल भाई पहले प्रवेश कर चुके हैं, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। रहा प्रवेश द्वार, लिखा है पहले ही साइन बोर्ड। और यार आप लोगों को ग्रीन ग्रीन देख के कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करना। और पहली बार मैं घर से निकला हूँ, मतलब घर से निकलते रहता हूँ पर वीडियोज़ के चक्कर में पहली बार इतना दूर आना हो रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप सबका मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो काहे छोड़े। और ये नज़ारा देखो यार, पार्क का नाम दिलीप सिंह जुदेव केलो परियोजन, इको, अच्छा केलो परियोजना इकोलॉजिक पार्क भेलुआ टिकरा। तो जब भी आपको मौका है रायगढ़ आओ, दिलीप सिंह जुदेव पार्क जरूर विजिट करो, जरूर यहाँ घूमो। जहाँ अपन गए थे पंचधारी, उस वाले जगह पे जाओ, दो चार दिन की जिंदगी यार खुल के जियो। मतलब आऊंगा बारिश के दिन में, एक आध दिन और घुमा ले आइएगा। बारिश के दिन में जो कलर दिख रहा है एचडी कलर के, दुगना एचडी हो जाएगा, मतलब फुल एचडी हो जाएगा। अभी तो 1080 वाला दिख रहा होगा क्वालिटी, 4K हो जाएगा जब बारिश के दिन सीजन आएगा। तो भाई ये देखो यार, MP थिएटर सामने आगे है, अंदर थिएटर भी है का? ये नहीं है। अच्छा तो इस जगह का नाम है MP थिएटर, और कसम से एक गोवा वाली फील आ रही है इस जगह में घूम के। तो लग रहा है कि यहाँ बारिश के दिन में पानी गिरता होगा, झरना बहते होगा, और एक सेल्फी स्पॉट है, मतलब सेल्फी लेने के लिए एक बेहतरीन सी जगह है। यहाँ लिखा भी हुआ है कि वाटरफॉल, मैंने सिर्फ गेस किया था। चलो सही है आपका सीन हुआ, गेस कम से कम सही जगह लगता तो है। तो ये रायगढ़ का केलो डैम, सॉरी केलो पार्क, दिलीप सिंह जुदेव पार्क कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करिएगा। और अच्छा लगे तो जरूर यहाँ घूमने आइए, क्योंकि मैं तो विजिट कर चुका हूँ, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो चुका है इस गार्डन में घूम के। और आई होप आपको भी अच्छा लगेगा ये वाले वीडियोस देख के और इस जगह में विजिट करके, इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ। हो चुका है बच्चों के खेलने के लिए जगह, झूला वगैरह लगा हुआ है, और यहाँ कुछ सांप सीढ़ी, जैसे हमने बचपन में पुस्तकों में लूडो सांप सीढ़ी खेला करते थे, इस तरीके का कुछ सामने देखिए खेलते हैं। आप पूरे परिवार सहित यहाँ विजिट कर सकते हो, पूरे परिवार सहित यहाँ घूम सकते हो। आपका सीनियर भाई, सिर्फ मम्मी पापा हैं, उनको मैं यहाँ नहीं घुमा सकता, अभी फिलहाल मैं नहीं घुमा सकता। इन फ्यूचर जब मौका मिले मम्मी पापा को यहाँ जरूर लेके आऊँगा, क्योंकि यार सिर्फ बेटा घूम रहा है अच्छा नहीं लग रहा है। पर हाँ, अभी यूट्यूब फैमिली को थोड़ा बड़ा करना है, जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक सिंगल ही घूमना पड़ेगा। और
बारिश के सीजन में आते हो, सॉरी यहाँ आवाज गूंज रहा होगा, बारिश के सीजन में आते हो तो आपके लिए छत यहाँ जरूर बैठा ताकि उधर से छींटे पड़े, इधर से छींटे पड़े और आप एकदम मजे ले सके। तो बहुत बड़ा जगह है यार उधर, लगभग हमने वहाँ गया था, अभी जस्ट उधर से इस साइड से होते हुए हम लोग आगे जा रहे हैं। इधर इसका दो पार्ट है, ये पार्ट वन है जिधर अपन अभी चल रहे हैं, पार्ट टू इस पर है जो कि अपन अभी जाएंगे। और सामने एक प्लेग्राउंड है, पता नहीं ये खो खो कबड्डी कुछ खेला जाता है, मुझे देख के वैसे ही लग रहा है, कृपया कचरा ना करें। ये पार्क नंबर वन और सामने पार्क वाला, पार्क नंबर टू जाने के लिए एंट्री गेट यही है। पार्क नंबर टू में जाने के लिए इसी गेट को पहले बनाया गया था पर अभी किसी कारण से इसको बंद कर दिया है, तो पहले गेट से एंट्री लेकर आप यहां से जा सकते हैं। मैं तो शाम के 6 बजने वाले हैं, हमें मात्र यहां 10 मिनट मिला था यहां घूमने के लिए, जिनमें से 5-7 मिनट तो ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा। अचानक से देखा, मतलब ये सच मतलब हाथी है, खड़ा क्यों है, लोग डर क्यों नहीं, पर अभी पता चल रहा है कि उसको मूरत है, मतलब एक सैंपल के तौर पे वो बनाया गया है क्योंकि सामने कोई आएगा तो डर जाएगा। तो ये है पार्क नंबर टू, पार्क नंबर वन अपन विजिट कर चुके, ये पार्क नंबर टू है। और बारिश के सीजन में इसमें पानी एकदम आता है जो कि बहुत अच्छा, एकदम जबरदस्त लगता है बारिश के सीजन में, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बारिश के सीजन में मैं यहाँ एक बार जरूर आना चाहूंगा। अभी तो गर्मी के सीजन में जब कि इतना अच्छा लग रहा है तो सोचो बारिश के सीजन में कैसा लगेगा यार ये। आपने मूवी जरूर देखी होगी जिसमें डूब जाता है क्या नाव। तो ओ, ये रहा जिसको टाइटैनिक के नाम से जाना जाता है, तो हमारी टाइटैनिक थोड़ी सी क्षतिग्रस्त हो गई है क्योंकि इतना धूप में बेचारा अकेले कितना दिन खड़ा रहेगा, फिल्मों में तो डूब चुका, एक्चुअल में वो खड़ा है पर ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा, उसको मेंटेन की ज़रूरत है जो कि हम तो नहीं कर सकते अभी। मुस्कुराइए, आप रायगढ़ में है ना विमल भाई। ये है सिंग फोंग सू, मैंने इसका नाम रख दिया सिंग फोंग सू, यहाँ आप कराटे सीख सकते हो। कसम से यार गजब लग रहा है देखने में, विमल भाई सही है ना इसका नाम, नाम ठीक है ना सिंग फोंग सू। आपके सीनू भाई ने रायगढ़ में कुछ तो रख के गया नाम, किसका नाम, उस कराटे वाले भैया के नाम, सिंग फोंग सुंग लेडी है वो, लेडी अच्छा लेडी है, सॉरी फ्रॉक पहनी है यार, मैं यार ध्यान नहीं दे रहा था। तो अभी सीटी बज चुकी है, यहाँ बकायदा इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि सीटियाँ बज चुकी हैं, चलो बच्चों अभी घर चलो। 6 बजे तक अलाउ है। सामने बादल देखो यार, वाओ गजब लग रहे बादल, एकदम नजारा एकदम जबरदस्त, यहाँ बरसात में आओगे तो कभी भी देख सकते हो। तो पहले शायद सुबह से शाम तक चलता था पर अभी इसका टाइम चेंज कर दिया गया है, दोपहर को 12-1-2 शायद 2:30-3 बजे लगभग खुलती है, उसके बाद में शाम 6 बजे तक चलता है क्योंकि कोरोना काल के बाद इसका शेड्यूल थोड़ा सा खराब हो गया है जो कि उम्मीद है आने वाले टाइम में बन जाए। हाँ हाँ, पहले जो डैम है पहले इसमें बहता था और अभी यहाँ जब पार्क बना तो इसका पानी इधर ना रह करके इसको पूरा कवर कर दिया गया, उसका पानी उधर से चक्कर काट करके इधर से आता है और कुछ यहाँ तक भी आता है, कुछ इसमें भी बहता है और कुछ सामने निकल जाता है। अब तो बस वेट कर रहा हूँ कि किस दिन मैं बारिश के सीजन में यहाँ आऊँ और यहाँ दोबारा से वीडियोस बना। अब शहर से थोड़ा सा बाहर है और आउट एरिया में थोड़ा सा कुछ चीज हो जाए तो उसको कवर करना, मतलब हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो सेफ्टी को नजर रखते हुए यहाँ ज्यादा टाइम नहीं रखा जाता ओपन। हम अभी जा रहे हैं डैम के, डैम का जो मेड़ है उसमें चलेंगे, जो लाइट वाइट लग रहा है एकदम जबरदस्त लग रहा है तो उस डैम में चलने जाएंगे। और ये हमारी टाइटैनिक जो डूबने वाली है,